अगर आप एक क्रिएटर हैं, तो हम जानते हैं कि कब ये निराशाजनक हो सकता है, जब आपकी किसी वीडियो पर कॉपीराइट का दावा आता है, या जब आपको अपनी वीडियो की कमाई की स्थिति में पीले रंग का आइकन दिखता है। तब तो और भी निराशाजनक होगा, जब वीडियो लाइव हो जाने के बाद ऐसा कुछ हो। इसलिए आपकी मदद करने के लिए हम वीडियो अपलोड करने की प्रोसेस में चेक्स या जांच स्टेप जोड़ रहे हैं। इससे वीडियो को लॉन्च करने से पहले ही चेक किया जा सकेगा कि उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसकी वजह से आपको अपने वीडियो पर किसी कॉपीराइट दावे का सामना करना पड़ेगा। इसमें ये भी देखा जा सकेगा कि विज्ञापन दिखाने के लिहाज से वीडियो ठीक है या नहीं। इस स्टेप से आपको वीडियो पब्लिश करने से पहले ही पता चल जाएगा कि उस पर कौन सी पाबंदियां लग सकती हैं। इसका फायदा ये होगा कि वीडियो लाइव होने से पहले ही आपको उन दिक्कतों को ठीक करने का मौका मिल जाएगा। आइए जानते हैं कि ये स्टेप कैसे काम करता है। डेस्कटॉप से कोई वीडियो अपलोड करते समय वीडियो की विजिबिलिटी तय करने से पहले आपको चेक्स या जांच स्टेप दिखेगा। जैसे ही आपके वीडियो की प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी, इस स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि कहीं वीडियो में कोई ऐसी समस्या तो नहीं जिसकी वजह से आपको अपने वीडियो पर किसी कॉपीराइट दावे का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपके वीडियो के लिए कमाई करने की सुविधा चालू है, तो हम ये भी देखेंगे कि विज्ञापन दिखाने के लिहाज से वीडियो ठीक है या नहीं। कॉपीराइट चेक या कॉपीराइट जांच में इस बात का पता लगाया जाता है कि कहीं आपके वीडियो में कॉपीराइट वाला कोई ऐसा कंटेंट तो मौजूद नहीं है जिसकी वजह से आपको कंटेंट आईडी वाले दावे का सामना करना पड़ सकता है। वहीं एड सूटेबिलिटी चेक या विज्ञापन दिखाने के लिहाज से वीडियो ठीक है या नहीं वाली जांच से ये पता चलता है कि आपका वीडियो हमारे उन दिशा निर्देशों के मुताबिक है या नहीं जो विज्ञापन दिखाने के लिए बनाए गए हैं। इस दौरान आपको दिखता रहेगा कि हर जांच को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। कॉपीराइट चेक करने में अक्सर कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन ये चेक करने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है कि वीडियो विज्ञापन दिखाने के लिहाज से ठीक है या नहीं। अगर आपको इंतजार नहीं करना है, तो आप उस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। फिर जब भी आपके पास समय हो, तो वापस आकर देख सकते हैं। इस दौरान आपका वीडियो ड्राफ्ट के तौर पर सेव रहेगा और बैकग्राउंड में जांच पूरी होने तक चलती रहेगी। वीडियो चेक हो जाने के बाद अगर उसमें कोई समस्या नहीं मिलती है, तो आपको दोनों सेक्शन के आगे हरे रंग का निशान दिखेगा। अब आपका वीडियो पब्लिश होने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन क्या होता है और आप क्या कर सकते हैं यदि आपके वीडियो में समस्याएं पाई जाती हैं? पहले कॉपीराइट की समस्याओं की बात करते हैं। अगर आपके वीडियो में कंटेंट आईडी वाला कोई दावा मिलता है, तो सी डिटेल्स या जानकारी देखें पर क्लिक करके इस बारे में और जानें। इससे आपको वीडियो से जुड़े कॉपीराइट के दावे के बारे में खास जानकारी मिलेगी और अपने वीडियो का स्टेटस भी पता चलेगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस दावे से आपके चैनल पर असर पड़ेगा या नहीं। यहाँ से आपको वीडियो की विजिबिलिटी और कमाई का स्टेटस भी दिखेगा। इस पेज से आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से कंटेंट पर दावा किया जा रहा है, वीडियो में वो कंटेंट किस समय दिखता है और उस दावे का वीडियो पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ से उस कंटेंट आईडी दावे को हटाने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं, जिसका पता चेक्स या जांच स्टेप के दौरान चला। एक तरीका तो ये है कि दावे वाले कंटेंट को हटा दिया जाए। आपके वीडियो के जिस हिस्से पर दावा किया गया है, उसे काट कर हटाया जा सकता है। इससे दावा अपने आप हट जाएगा। अगर आपके वीडियो में किसी गाने पर दावा किया गया है, तो उस गाने को बदला जा सकता है या म्यूट किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि दावा गलत है, तो दावे का विरोध करें। इस विवाद को हल होने में कुछ दिन लग सकते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इंतजार कर लें या उससे पहले ही वीडियो को पब्लिश कर दें। ध्यान दें कि अगर आपने किसी विवाद के दौरान अपना वीडियो पब्लिश कर दिया है और आपके साथ साथ दावेदार भी उससे कमाई करना चाहता है, तो विवाद हल होने तक आपके वीडियो से मिले रेवेन्यू का पेमेंट रोक दिया जाएगा। हल हो जाने के बाद ये रेवेन्यू हम विवाद को जीतने वाले पक्ष को दे देंगे। ध्यान रखें कि चेक्स या जांच स्टेप में सिर्फ कंटेंट आईडी मैच चेक होते हैं। ये स्टेप न तो कॉपीराइट उल्लंघन की स्ट्राइक को रोकता है और न उसका अंदाजा लगाता है।
कॉपीराइट उल्लंघन की स्ट्राइक तब ही होती है जब कॉपीराइट का मालिक हमसे किसी वीडियो को हटाने का अनुरोध करे। आइए अब जानते हैं कि अगर वीडियो में एड सूटेबिलिटी इश्यूज या विज्ञापन दिखाए जाने के लिहाज से समस्याएं मिलती हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको वीडियो अपलोड करने की प्रोसेस के दौरान कुछ सवालों के जवाब देकर ये सर्टिफाई करना होगा कि आपका वीडियो विज्ञापन दिखाने के लिहाज से ठीक है। इसके बाद ही सिस्टम ये चेक कर पाएगा कि विज्ञापन दिखाने के लिहाज से वीडियो ठीक है या नहीं। अगर आपने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और फिर भी आपके वीडियो में विज्ञापन दिखाने से जुड़ी कोई समस्या मिलती है, तो रिक्वेस्ट रिव्यू या रिव्यू का अनुरोध करें। मैनुअल तरीके से रिव्यू करवाने का अनुरोध करने पर कोई एक्सपर्ट आपके वीडियो और उसके मेटा डेटा को रिव्यू करता है। इसके बाद वो तय करता है कि आपका वीडियो यूट्यूब के उन दिशा निर्देशों के मुताबिक है या नहीं जो विज्ञापन देने वालों के लिहाज से अच्छे वीडियो बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। रिव्यू पूरा हो जाने पर आपको ईमेल से इसका अपडेट दिया जाएगा। साथ ही वीडियो अपलोड करने की प्रोसेस के चेक्स या जांच स्टेप में इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। जांच के दौरान फ्लैग हुई कॉपीराइट या विज्ञापन दिखाने से जुड़ी समस्याओं के हल होने पर आपको इस स्टेप में दोनों सेक्शन के आगे हरे रंग का निशान दिखेगा। वीडियो लिस्ट में जाकर ये देखा जा सकता है कि जांच अब भी चल रही है या पूरी हो गई है। ध्यान रखें कि वीडियो चेक होने के दौरान भी वीडियो पब्लिश किए जा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को तब भी पब्लिश किया जा सकता है जब उसमें समस्याएं तो मिली हो लेकिन आपको उन्हें हल करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वीडियो को पब्लिश किए जाने से पहले हम आपको एक चेतावनी दिखाते हैं। ये तय करना आपके हाथ में होता है कि आपको तब भी वीडियो पब्लिश करना है या नहीं। हालांकि ध्यान रखें कि अगर कोई समस्या मिलती है तो इसका असर इस बात पर पड़ सकता है कि वीडियो किनको दिखेगा या उससे कितनी कमाई की जा सकती है। और याद रखें, जांच की प्रोसेस से आने वाले नतीजे फाइनल नहीं होते हैं। आपके वीडियो में आगे भी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जिनसे आपके वीडियो पर असर पड़े। ये भी ध्यान रखें कि अगर वीडियो पब्लिश होने के बाद उसका मेटा डेटा बदला जाए और वो मेटा डेटा विज्ञापनों के लिए सही न हो तो आपको अपनी वीडियो लिस्ट में कमाई करने से जुड़ी नई पाबंदियां दिख सकती हैं। हमें उम्मीद है कि इससे आपको वीडियो अपलोड करने से पहले ही उन पाबंदियों का हल निकालने में मदद मिलेगी जिनसे आपके वीडियो से होने वाली कमाई या उसकी ऑडियंस पर असर पड़ता हो। वीडियो अपलोड करने के दौरान आने वाले चेक्स या जांच स्टेप के बारे में और जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।